आज हम मिनी इडली बनाएंगे। इन्हें हम दो तरीके से बनाने वाले हैं। एक बिना मोल्ड की बनेगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और एक हमने मोल्ड से बनाया है। इस तरीके की इडलियाँ चिल्ड्रंस पार्टी या फिर भोग प्रसाद के लिए बढ़िया रहती हैं। एक दोने में इडली रखिए, चटनी रखिए और सर्व कीजिए। चलिए बनाते हैं मिनी इडली। तो ये मैंने एक बाउल में 3 कप चावल ऐड किया है। ये इडली राइस नहीं है, नॉर्मली जो चावल घर में यूज होता है हमने वही चावल लिया है। तो 3 कप हमने चावल लिया है। इसमें पानी ऐड करने के बाद वॉश कर लेना है। तो मैंने 3 से 4 बार पानी से धुला है ताकि चावल की डस्ट अच्छे से साफ हो जाए, क्योंकि मैं चावल में पाउडर वगैरह मिक्स करके रखती हूँ कीड़े ना लगे इस वजह से। तो मैंने एक्स्ट्रा ही वॉश किया है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। चावल फूलने के बाद डबल नहीं होता है, इसीलिए हम 1 इंच ऊपर तक ही पानी रखेंगे। ढकने के बाद 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब एक दूसरे बाउल में 1 कप उड़द दाल लेंगे। 3 कप चावल के लिए 1 कप उड़द दाल ले लेंगे। इसे भी पानी ऐड करके अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसमें क्लीन वाटर ऐड करेंगे। 3 घंटे फुलाने छोड़ देंगे। दाल से 2 इंच तक ऊपर पानी रखना है ताकि दाल अच्छे से फूल जाए। सभी चीजों को भीगे 3 घंटे हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। तो ये दाल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फूल चुकी है, हाथों की उंगलियों से दबा कर देख सकते हैं। इसी तरीके से चावल भी फूल चुका है। इसे मैश करके देखेंगे ना तो ये टूट रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब हम मिक्सी का जार लेते हैं, बड़ा वाला जार लीजिएगा। चावल को ऐड कर लेंगे, जितना आप ग्राइंड कर सकें उतना ऐड कर सकते हैं, और इसमें दाल वाला पानी ही ऐड करना है। साथ में 1 चम्मच हम दाल भी ऐड कर देंगे, और कवर करने के बाद बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है ना। तो इडली का पेस्ट हमें कुछ इसी तरीके से बनाना है। इसमें ना फेन टाइप से दिख रहा है, एकदम हल्का हल्का सा हवा भरी हुई। चलिए एक बर्तन में ट्रांसफर करते हैं, और बाकी जो भी बचा हुआ चावल और दाल है उसे भी ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। देखिए है ना बिल्कुल परफेक्ट। इसे 1 नाइट छोड़ देंगे। इसमें बढ़िया सी फर्मेंटेशन आ चुकी है। 1/4 चम्मच खाना सोडा ऐड कर देंगे। इसे इडली ना बढ़िया से फूलेंगे, और फिर अपने स्वाद अनुसार नमक का ऐड करना है। इन सभी चीजों को 2 से 3 मिनट अच्छे से फेट करके मिक्स करना है। इन्हें बफाने के लिए हमने एक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। तो कढ़ाई में सबसे पहले 2 गिलास पानी को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 कप। इस तरीके का गोल्ड रिंग है तो उसे रख दीजिए अगर है तो, नहीं तो इस तरीके का स्टैंड है तो भी आप रख सकते हैं। फिर एक छलनी रखना है। इस छलनी के ऊपर एक कॉटन का इसी साइज का कपड़ा रखना है। इसे हल्का सा पानी से गीला कर सकते हैं। अब एक छोटा स्पून लीजिए, और 1-1.5 चम्मच के लगभग में बैटर को ऐड करते जाइए। तो ये छोटी छोटी इडलियां बनकर तैयार हो जाएंगी। इसे आप ढक दीजिए और 10 मिनट के बाद ही इसे निकालेंगे। इस तरीके से आप चाहें कि परफेक्ट साइज आए तो परफेक्ट गोल साइज नहीं आएगा, आप पास से भी देख सकते हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इन्हें निकालने के लिए आपको कपड़े को पलट करके हल्का सा पानी सींचना होगा, और इसके बाद ये आराम से निकल जाएंगी। इस तरीके से बिना मोल्ड के इडली बनकर तैयार हो जाएंगी। इन्हें आप बड़े साइज में भी बना सकते हैं, ये ना बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। परंतु एक बार में 4-5 से ज्यादा नहीं बन पाती है, इस वजह से मैंने मोल्ड का इस्तेमाल किया है। क्योंकि मोल्ड में आपके पास 4 तवे हैं तो 16 इडलियां आराम से निकल पाती हैं। तो सबसे पहले हम तवे पर ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हमें कम बैटर ऐड करना है, लगभग 2-2 टेबल स्पून के जितना। आप चाहें तो गैस में रख के भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको मिनी इडली का परफेक्ट साइज मिल जाएगा। ढक करके 5 मिनट छोड़ देंगे और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो पैन में फली के दानों को ऐड कर देंगे। 1/2 कप मैंने फली दाने लिए हैं। जब ये थोड़े से क्रकल हो जाए तब हमें 1 चम्मच चने की दाल को ऐड कर देना है। थोड़ी सी इसे भी रोस्ट कर लेंगे, और इसके बाद 1 चम्मच के जितना उड़द की दाल को ऐड कर देना है। इस तरीके से आप चटनी बनाएंगे ना ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। फिर हमने 1 चम्मच क्यूमन सीड्स ऐड कर दिया है। इसे भी 2-3 मिनट बढ़िया से रोस्ट कर लीजिएगा, और इसके बाद लास्ट में मिर्च को ऐड कर देना है। मिर्च आप बाद में ऐड करें वरना मिर्च थोड़ी सी तेज हो जाती है। अब हमें इसे भी रोस्ट करने के बाद टमाटर को ऐड करना है। तो मैंने 2-3 टमाटर
काट करके रखा था उसे ऐड कर दिया है। सभी चीजों को मिक्स कर देना है और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तब हमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है और मिक्स करने के बाद ढक करके पकाना है। तो देखिए टमाटर को जिस तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड कर लेना है। अभी हम गणपति भोग के लिए इडली और चटनी तैयार करने वाले हैं, तो हमने इसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है, पर नॉर्मली आप इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं तो चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ठंडा होने के बाद इसे हमने एक जार में ऐड कर दिया है और साथ ही हमने इसमें दो हरी मिर्च ऐड किया है। एक इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके ऐड कर देंगे या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ऐड कर देंगे। एक मुट्ठी हरे धनिया को भी ऐड कर देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी या बर्फ के टुकड़े ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए मस्त चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। मस्त सा तड़का बनाते हैं तो एक चम्मच ऑयल को गर्म कर लीजिए और इसमें मस्टर्ड सीड्स और क्यूमन सीड्स ऐड करके तड़कने दीजिए और इसके बाद थोड़ी सी हींग ऐड कर दीजिए। दो चार कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे और दो मिर्च को बाद में ऐड कर देंगे। इस तड़के को चटनी में ऐड कर दीजिए। इतनी मस्त चटनी बनकर तैयार होती है ना, लोग इडली तो कम खाएंगे चटनी ज्यादा खाएंगे। और हमारी ये इडली भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। प्लेट में निकाल लेते हैं और एक बढ़िया सा लुक देते हैं। ये तो कितनी आसानी से निकल पा रही है ना, कितनी सॉफ्ट भी बनी है। इस तरीके से देखिए हमने इन्हें प्लेट में लगाया है, साथ में एक कड़ी पत्ता गार्निशिंग के लिए रख दिया है। बहुत ही प्यारा लुक आया है, बहुत ही बढ़िया लग रही है ये। इसे हमने गणपति बाबा के लिए बनाया है तो पहले हम भोग लगाएंगे और इसके बाद दोने में भक्तजनों को वितरण करेंगे। तो रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके गणेश उत्सव में शामिल हो सकते हैं।